पोघड़ विद्या से उजाड़ी गई जिंदगी, करीब 1.5 साल से तिलक नगर के वासियों को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। ऐसी तांत्रिक विद्या जो मानव जाति को नेस्तनाबूद कर देती है, ऐसी तांत्रिक विद्या जो समाज को बर्बाद कर देती है, यह एक ऐसा काला जादू है जिसे बिरबट के द्वारा किया जाता है, जिससे आप मनचाहा काम करवा सकते हो। यह बिरबट द्वारा जिसे चाहे उसे तहस नहस कर सकते हो। आखिरकार इसका इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए क्यों नहीं किया जाता? आखिरकार इसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए क्यों नहीं किया जाता? इसका इस्तेमाल हर किसी को बर्बाद करने के लिए क्यों किया जाता है? जी हाँ, नमस्कार, मैं आपके साथ सादिक खान, इंडिया तेजस्वी खबर में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे ग्राम सिंगोट की, जहां पर ऐसी घटना घटी है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग इन चीजों को मानते नहीं होंगे, लेकिन यही सच्चाई है। आपको बता दें, काला जादू टोना टोटके के सहारे से आज भी काला जादू जानने वाले लोग जो दूसरों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और करते आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पिपलौ थाने के ग्राम सिंगोट में तिलक नगर में देखने को मिला। तिलक नगर में रहने वाले मीठाराम, जगदीश, कैलाश आदि ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि तिलक नगर की दूनाबाई को कोई जादुई शक्तियां प्राप्त है, जिसके चलते वह मोहल्ले के लोगों पर काला जादू करके शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। जिसने मोहल्ले वालों ने बताया कि रामचरण नामक व्यक्ति को एक हाथ से अपाहिज कर दिया गया, तो वही दूसरी ओर 12 साल के श्याम नाम के बालक की दाई आंख खराब कर दी गई। इसी प्रकार से और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान किया गया। इस संबंध में रामचरण से बात की गई, उसने बताया कि मैं मजदूरी करके घर लौटा, तब अचानक मेरे एक साइड में शरीर एवं हाथ पसलिए तक काला पड़ गया और अचानक उसमें सड़न लग गई। मैंने डॉक्टर को दिखाया, लाखों रुपए का इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब मैंने झाड़ू फूंक वाले के पास गया, तब उन्होंने बताया कि तुम पर काला जादू किया है और दूनाबाई का नाम बताया। उसके बाद हमारे द्वारा बड़वानी जिले के पलसोद थाने के ग्राम उपला के कास्य महाराज जी से संपर्क हुआ। उनके द्वारा तिलक नगर में आकर दूनाबाई से जब काला जादू शक्तियों के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई, तब उन्होंने कबूल किया कि मेरे द्वारा ही तिलक नगर के लोगों को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और फांसी लगाकर एक नौजवान लड़की जो घटना घटी थी उसमें भी जिम्मेदार खुद दूनाबाई है। उन्होंने यह भी बताया कि होली का दहन स्थान पर उसके द्वारा शमशान का कोयला एवं लोहे की रॉड और बाल दफन किए हुए हैं, साथ ही लोगों को शारीरिक रूप से परेशानी हो इसीलिए मैंने शमशान में जले हुए मुर्दे मृत शरीर के जबड़े को भी लाकर दफन किया है। बड़वानी से आए बाबा द्वारा महिला के ऊपर सवार हुए शैतान को निकालकर लोगों की शारीरिक व मानसिक परेशानियों को दूर किया गया। दूनाबाई ने खुद अपना करा धरा कबूल किया है, लेकिन अभी सवाल यह खड़ा होता है कि उन लोगों को इन सभी परेशानियों से मुक्ति कब मिल पाएगी। देखिए क्या है पूरा मामला, इंडिया तेजस्वी खबर पर ब्यूरो रिपोर्ट। वही तो, हाँ तो चार साल होगा, 1.5 साल होगा, पहले 1.5 साल होगा, वो तो डॉक्टरों ने एकदम से हो, एकदम से कोई दर्द हुआ नहीं, कुछ नहीं, पहले लालपन हो गया, फिर पूरा काला पड़ गया था, ये चमड़ी काली काली चमड़ी जैसी निकलती गई, सर काट काट के निकलता गया। पहले अपने राम संकट के दौर के काम करता था, अब तो क्या कर रहे हैं, अब कुछ करता तो मैं चार ढोर को बट्ठे घर पालता, मेरा तो रिश्तेदार है ये। क्या नाम है तुम्हारा? रामचंद्र जी। मैं तो ये करने से क्यों ऐसा कर रहा है, ये गांव के होली जो दूर रहा है ना,
ये पूरा गांव की या आदिवासी के हमारे होली रीति रिवाज की जाति रिवाज की हमारे होली माता है उसी होली को बुझाने वाले सोचिया नाच करने वाले उसको उसमें अंदर ये डाल चुकी है जीवन पर हड्डी का जो जीवन पर हड्डी का उसको मौसम घाट के लाइन उसके जीवन होली माता में पास के लाई के डाट रखी है ना उसका कारण से पूरा गांव का तो विश्व की होली माता पर किसी को तो पूजन देने बारह महीना में एक चक्कर हर कुछ व्यक्ति जाता है ना जितने भी व्यक्ति जाते हैं उसको व्यक्ति पर होली माता पे पाई करने जाता तो उसको ये पर ये चरणों में लग जाते थे पूरा इंसान का जो गर्मी हो जाती है हते कि नहीं हते है क्यों सर हते कि नहीं हते उसी कारण के उसके गांव को सत्यानाश करना है कोई इन्हीं धरती पर कीड़ी मकड़ी नहीं धरती पर रहना चाहिए कोई लक्ष्मी माता नहीं रहना चाहिए गाय बुल ऐसी कोई चीज नहीं रहना चाहिए उसी कारण से जो होली माता पर राखी है बद्राम बली बाबा पास हर शनिवार जो भी व्यक्त भक्त हमारे जैसा खुद भी सुखी दुखी वाला रहता है तो बाबा को चरण माँ जाते है जल चढ़ाने है ने बाबा को चरण में जल चढ़ाने जाता है बाबा को मांगिता मांगने जातला आज्ञा मांगने लक्ष्मी माता मांगने जातला कि हमारा जीवन का जो सुखी शांति से रखने करे मांगने जातला है कि नहीं जीवन का जो मांगने जातला तो बद्राम बली बाबा पास मांगने जातला उनको लिए फिर ये पूरा खेड़ा पोती चार खंड ये चौकी बंधन कर सांडी देख लो ये इतने मती स्थान पर ये राखी हुई है ये बंधन करके उसके उसमें साथ में क्या है ये उठाई दिखा दे रहे बद्राम बली बाबा पास क्यों राखी है क्या फायदा मिल रहा है ये नुकसान क्यों पहुँचा रहे लोग पूछ लो क्या फायदा मिला उसको पूछ लो हाँ बताइए क्या फायदा मिल रहा तुमको इस प्रकार लोगों को परेशान करके फायदा मिला बाबा मैं पढ़ने कर दे दी सुखली रान से हाँ करी ही जाने आज कहीं नहीं आवड़ तो ही जाने करी सब अच्छा मैं मार को सब भर नाक दे दी छोटा बच्चा को डुआ क्यों ऐसा कर दिया तो सुधरे कि नहीं सुधरे कतरा दहाड़ा सुधर से सुधार दे दी नहीं जाय का कितना साल हो गया उसको जीवन पर रखा शांति बना कितने समय में सही कर दोगे उसको हाँ बताओ आप तुम कब ऐसे साल में हो जाएंगे चार पाँच दिन बाद पहले को भी नहीं है तो नहीं है तो फिर उसको जीवन तो नहीं उसकी दूरी तो नहीं काटे हुए है कि है सोच में अच्छा उसको आग जैसे होता भगवान ने दिया ऐसे हो जाना चाहिए।